हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? तो गाइस देखिए, आपको ना बैकग्राउंड की आवाज़ आएगी क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़ोर की बारिश हो रही है और गाइस पूरा दिन बारिश है। तो वीडियो तो भाई एडिट करना है तो कैसे भी करना ही होगा ना। मैं वेट कर रही थी कि बारिश रुक जाए तो मैं करूँ, लेकिन नहीं, बारिश जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। और टाइम जो है शाम के हुए, हम लोग आए हैं मम्मी के घर। तो यहाँ पर बच्चे मम्मी जो है मस्ती कर रहे। आदित्य गया था फ्रिज में बर्फ़ ढूंढने, वो आइस वगैरह ना खाता है, इसलिए मैं उसे डांट रही थी, डांट के फिर मैंने उसको हटवाया वहाँ से। फिर शाम को जो है मैं घर आ गई और ये वाला जो टाइम है रात की बज रहे 9:30। और यहाँ पे आदित्य और मेरी ना काफ़ी लड़ाई हो गई। लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि मैं मिल्क लेकर आई थी आदित्य के लिए शेक बनाने के लिए, मिल्क शेक वगैरह। तो फिर जो है मेरा मूड चेंज हो गया क्योंकि घर में देखी तो कुछ भी नहीं था, चॉकलेट वगैरह, तो मैं उसे कैसे शेक बना कर पिलाऊँ। तो मैंने कहा कि बेटा मैं किसी दिन अच्छी से चॉकलेट लेकर आऊँगी और तुमको बना कर पिलाऊँगी। तो कह रहा था नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने जो स्टैंड है वो नया ले लिया है, वो पुराना जो ख़राब हुआ था ना उसे हटा दिया है। और यहाँ पे मैं दोनों साइड मिल्क जो है गर्म कर रही हूँ, एक बेबी के लिए एक जो है मैं आदित्य के लिए लाई थी। लेकिन अब क्या होगा कि शेक तो नहीं बनेगा, तो आदित्य जो है दूध और पराठे खा लेगा। तो उसने कहा ठीक है मम्मी, आप शेक नहीं बनाओगी ना, तो मेरे मैं जैसा कहूँगा वैसे पराठे बनाकर खिलाना। मैंने कहा ठीक है, तू जैसा बोलेगा वैसे। अब उससे ना एक पराठे मैंने बनाकर दिए जैसा उसने मुझे कहा। और गाइस आदित्य बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, जैसे तैसे ना मैंने उसे मनाया, बिल्कुल भी नहीं मान रहा था। करीबन आधे घंटे तक ना हम दोनों की काफ़ी लड़ाई हो रही थी। वो कह रहा था मुझे चाहिए तो चाहिए मिल्क शेक, मैं उसे मनाने में काफ़ी टाइम लग गई। और गैस मैंने ना कुछ डब्बे वगैरह साफ़ किए थे तो सुखा लिए थे। तो गैस कितने भी सुखाओ ना बरसात के टाइम में तो इसमें ना नमी रह जाती है, तो मैं इसे इस तरीके से ना गर्म भाप लगा रही हूँ ताकि जो भी नमी है वो सूख से जाए। उसके बाद जो है मैं इसमें ना नमक रखूँगी और एक में जो है धनिया पाउडर वगैरह रखूँगी। और गैस बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा, ये जो आवाज़ है बाहर की बरसात की आवाज़ है। हमारे छत के ऊपर ना पत्रा टाइप का कुछ है, इस वजह से ना ज़्यादा आवाज़ आती है। और गोवा में गाइस बारिश ना 2-3 दिन पहले बहुत अच्छा था, मतलब 8 दिन तक ना बहुत अच्छा मौसम किया हुआ था। तो यहाँ पे मैंने डब्बे में फिल कर लिया है जो भी मसाले मुझे करना था। और यहाँ पे दोनों दूध में जो है मैं चीनी ऐड कर दूँगी 2-2 चम्मच। हाँ तो मैं कह रही थी कि गोवा में बहुत बारिश हो रही है, मतलब कल परसों से बारिश जो है स्टार्ट हो गई है, बहुत बारिश आ रही है, बारिश जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो भाई काफ़ी दिक्कत आ रही है, मुझे तो बहुत दिक्कत आ रही है, स्पेशली वॉइस एडिट करने के टाइम पे काफ़ी दिक्कत आती है। इसके बाद जो है मुझे बनाना है पराठे सबसे पहले क्योंकि आदित्य को लगी है भूख। और गाइस देखिए थोड़ी थोड़ी करके ना अभी ना बारिश ना कम हो रही है, भगवान का शुक्र है कि कम हो गया। तो मैं तवा रख देती हूँ, यहाँ पे आटा मैं लगा रही हूँ फटाफट से, मुझे आदित्य के लिए पराठे बनाना है। भाई वो मेरे सामने ही खड़ा है, बिल्कुल देख रहा है, बिल्कुल हटने का नाम नहीं ले रहा है। वो कह रहा है कि जैसा मैं कहूँगा बिल्कुल वैसे ही बना कर दूँ। तो देखिए वो मुझे ना किस तरीके से पराठे बनवा रहा है मुझसे, देख लीजिए आप लोग कौन से स्टाइल का बनवाता है। कभी 3 कोना, कभी 4 कोना, कभी इतने सारे उसके लच्छे निकलवाता है कि पूछिए मत। तो मैंने कहा कि भाई एक ही बनाऊँगी, तो कहा ठीक है ठीक है। फिर बाकी की जो है मैंने सादा ही बनाए। तो जैसे तैसे मैंने उसे मनाया धनाया, फिर वो मान गया। फिर मैं उसे फटाफट से पराठे सेक करना उसको दे दूँगी खाने के लिए क्योंकि उसे ना भूख भी बहुत ज़ोर की लगी है। उसके बाद जो है मैं रात का जो डिनर है वो बनाऊँगी हमारे लिए, उसे मतलब आदित्य को दूध और पराठे खाना है तो उसका पराठा बिल्कुल तैयार है, एक और खाएगा वो मिल्क के साथ। तो बाकी के जो पराठे थे 2-4 और मैंने सेक लिया फटाफट से। उसके बाद गैस मैंने पूरा गैस साफ़ किया क्योंकि बहुत आटा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने ना दाल ले लिया है बढ़िया से धोकर, दाल में नमक और थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करके पका देंगे। फटाफट से हम दाल को गैस पे रख देंगे। और गैस खाना मतलब रात का डिनर बनाते बनाते ना काफ़ी टाइम हो गया था और मैंने इसमें ना बड़े आंच पे पका रही थी। देखिए अभी ना आपको आवाज़ आएगी, बारिश और बढ़ गई तुरंत की तुरंत, मतलब 1 सेकंड भी नहीं हुआ कम होते हुए और बढ़ गई। तो दाल हो गई तो दाल को पलट लेते हैं, कुकर में पानी मार के जो है हम राइस ले लेंगे, हमें राइस बनाना है। फटाफट से हम राइस भी बनाएँगे। उसके बाद गाइस हम कड़ी पत्ता लेकर आई हूँ, मैं मम्मी के घर गई थी ना, तो आज हम कड़ी पत्ते वाले दाल खाएँगे, बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुआ था। और प्याज मैंने सैलेड के लिए लिया है, बाकी चीज़ें दाल के लिए लिए है छोंकने के लिए। और देखिए लाइट जो है अचानक से चली गई, तो
तो जैसे तैसे मैंने मतलब मोबाइल के लाइट से ही अपना जो आगे का काम है वो स्टार्ट किया। मस्टर्ड ऑयल लिया, जीरा लिया, लहसुन लिया, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ते, हल्दी वगैरह डाल के मैंने बढ़िया से दाल का तड़का जो है तैयार कर लिया। फटाफट से जैसे ही बन जाएगी हम दाल में जो है तड़का लगा देंगे। और गाइस इतना मज़ेदार खाना जो है रात का डिनर बनके तैयार हुआ था कि पूछिए मत। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी। अगर आप ये खाना खाएंगे ना आपको सुकून का चैन आएगा, आप बहुत आनंद फील करेंगे, बहुत ही अच्छा फील करेंगे। गाइस बहुत अच्छा खाना है, आप इस तरीके से बनाइएगा, खाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से बहुत ही टेस्टी लगता है। दाल देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना, उतनी ही टेस्टी भी बनके तैयार हुई थी। बहुत दिनों बाद जो है मैंने दाल में ना कड़ी पत्ता वगैरह ऐड किया है। तो यहाँ पे मैं सैलेड के लिए प्याज कट कर रही हूँ। एक प्याज को हम पतले पतले गोल गोल कट करेंगे, उसके बाद इसके लच्छे निकालेंगे, उसमें हल्का सा नमक जो है छीट लेंगे और हमारा रात का डिनर बिल्कुल तैयार है। तो हस्बैंड मेरे आ चुके थे तो उन्होंने भी काफ़ी मेरे हेल्प किए, बहुत मदद करते हैं, मुझे हमेशा मदद करते हैं। आजकल की बात नहीं है, जब से हमारी शादी हुई है ना ये मुझे हमेशा मतलब मेरे कामों में हाथ बटाते हैं, हेल्प तो हमेशा ही करते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो सैलेड जो है बिल्कुल तैयार है, लगा देते हैं रात का डिनर प्लेट। डिनर में है राइस, पराठे, दाल और सिंपल सा प्याज वाली सैलेड। तो इस तरीके से खाना खाइए। इस खाने में जो मज़ा है वो चिकन में मज़ा नहीं है गाइस, बहुत ही मज़ेदार खाना है। इसका टेस्ट अलग है, चिकन का टेस्ट अलग है। तो हस्बैंड कह रहे थे कितना अच्छा खाना है ना, टेस्टी टेस्टी, इतना बढ़िया तो चिकन भी नहीं लगता है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली ब्लॉग में। बाय बाय, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए।